हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शन और ऑब्जेक्टिव, इसके पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर मैं आपको स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग करवा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, तो मैं बीकॉम से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड 11th 12th किसी भी क्लास से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहला फंक्शन और ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट असर्टेनमेंट का मतलब क्या होगा? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो होता है डिटरमाइन करना कॉस्ट को कि कॉस्ट कितनी है। फॉर प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट कितनी लगी है पर यूनिट के हिसाब से, जॉब के अंदर कितनी लगी है, ऑपरेशंस के अंदर कितनी लगी है, प्रोसेस डिपार्टमेंट और सर्विसेज जो प्रोसेस हुई है उसके अंदर हमारी कॉस्ट कितनी लगी है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी यूनिट जॉब ऑपरेशन प्रोसेस डिपार्टमेंट और सर्विसेज कितनी लगी है उसके अंदर, वो सब चीज़ें बताना, वो होती है कॉस्ट असर्टेनमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो बताती है, डिटरमाइन करती है कि कितना कितना हमें जो पैसा हमारा प्रोडक्शन के अंदर लगाया है, कितना हमारा जो जॉब है उसके अंदर लगा है, कितना ऑपरेशंस के अंदर लगा है, कितना उसकी जो प्रोसेस चली है उसके अंदर लगा है, और कितना डिपार्टमेंट और सर्विस जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर और सर्विस प्रोवाइड करवाते वक्त उसके अंदर लगा है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या आएगा? कॉस्ट कंट्रोल इज वन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट कंट्रोल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कॉस्ट कंट्रोल टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कितनी एफिशिएंसी है। और द कॉस्ट सेंटर द वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन और द कॉस्ट सेंटर द वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ऑफ प्रोडक्शन आर डू केयरफुली स्टडीड, मतलब कि केयरफुली स्टडी करते हैं कि हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उनकी हमें पता चले कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की, कितनी हमारा मतलब जो ऑपरेशंस है वो रन कर रहे हैं, हमें कितना हम मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं उसको स्टडी करते हैं। ये इसका मेन फंक्शन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसके बाद अगला फंक्शन है थर्ड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्या आएगा? कॉस्ट रिडक्शन रेफर्स टू रियल और जेन्युइन सेविंग्स थ्रू परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज विदाउट इम्पैविंग द क्वालिटी ऑफ अफेक्टिंग इट्स पर्पज फॉर विच इट इज इंटेंटेड टू बी यूज। कॉस्ट इसके अंदर क्या होगा रिडक्शन के अंदर, कि आपकी जेन्युइनली आप कितना सेव कर पा रहे हैं, और परमानेंट रिडक्शन आप कितना मतलब कितनी आप कॉस्ट के अंदर से बचा पा रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं उसकी क्वालिटी आप कैसे रख रहे हैं। आपकी क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी उसकी अफेक्टिंग पर्पज से। आप अगर आप अच्छी क्वालिटी रखोगे तो वो अच्छे से अफेक्ट करेगी लोगों को, तो मतलब आप किन चीज़ों से अपनी जो सेविंग्स हैं वो सेविंग कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन कि आप कितना मतलब सेव करके क्वालिटी वैसे की वैसे रख के कैसे आप सेव करके उसको कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे असर्टेन कर रहे हैं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें हर एक फर्म जो होती है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे कोई भी कुछ भी लगा लीजिए, कोई स्कूल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, उनका सबसे पहला जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। भाई उनको प्रॉफिट मिलेगा तभी तो वो काम करेंगे। तो इसी तरीके से असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होगा, कि सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए एक्चुअली। तो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू असर्टेन द प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी, मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी होती है उसको असर्टेन करना। फॉर दैट एक्टिविटी प्लान्ड और बिगेन कैरिड आउट एंड टू बी कंपेयर द एक्चुअल प्रॉफिट मेड देयर प्रॉफिटेबिलिटी। हम जो हमने प्लान की है एक्टिविटी और उसकी कैपेसिटी देखेंगे कि हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हम आगे मतलब उसकी कैपेसिटी देख के, मतलब जैसे अब हम फॉर्म को देख के आगे बताते कि आगे कितनी तरक्की करेगी,
अब कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो मेहनत कर रहा है तो फिर हम ये नहीं कहते कि मेहनत देख के पता चल जाता है कि नंबर कितने आएंगे। तो अब वो कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसकी जो फर्म की मेहनत है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि हमें आगे जाके प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। द सप्लाई प्राइस ऑफ टेंडर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द टोटल कॉस्ट प्लस अ मार्जिन ऑफ अ प्रॉफिट विच अ बिजनेसमैन वॉन्ट टू मेक्स डिपेंड अपॉन द इंटरप्ले ऑफ फैक्टर ऑफ। इसके अंदर क्या होगा, जो सप्लाई का प्राइस होता है वो डिपेंड करता है टोटल कॉस्ट के ऊपर। भाई जितनी हमारी टोटल कॉस्ट होगी उसके उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी सप्लाई रखेंगे, उतना ही हम प्राइस रखेंगे। अगर हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा लगी है तो फिर हमें प्राइस भी सप्लाई का ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर हमारी टोटल कॉस्ट, हमारा मार्जिन कम आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस रखेंगे। इसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है वो कि कितनी हमारी डिमांड होगी, कितनी हमारी सप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो मतलब जो कॉस्ट हमें लगी है, एक तो जो कॉस्ट हमारी लगी है टोटल कॉस्ट वो, और फिर हम टोटल कॉस्ट और फिर हम देखेंगे कि हमारी डिमांड कितनी हो रही है और हमें सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी, उस सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट है उसको रखेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट को। इसके बाद है सिक्स पॉइंट, प्रोवाइडिंग अ बेसिक फॉर अ बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज हेल्प टू मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी इन अ डिसीजन मेकिंग। जो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो है हेल्प करता है हमें मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि हमें हमें पता चल जाता है कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है और कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, तो हम डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम रिस्क भी उठा लेते हैं, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम रिस्क उठाते वक्त भी डरेंगे। तो उसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर और डिसीजन लेने के लिए अंदर हमें हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद सेवन्थ और लास्ट पॉइंट है, ये है कम्प्लेक्शन टू स्टेटरी रिक्वायरमेंट। स्टेटरी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि जो कानूनी धाराएं को बोलते हैं स्टेटरी रिक्वायरमेंट। इसके अंदर क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 229 सबसेक्शन 1D ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज़ मेड इट कंपल्सरी फॉर 47 इंडस्ट्रीज टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 47 जो उद्योग हैं उनको कहा है कि आप कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करेंगे। मतलब बहुत, मतलब 47 ही है, कंपनियां तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश के अंदर, बट सिर्फ 47 कंपनीज को बोला गया है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करेंगी। इसके बाद थस कंप्लेंस अ स्टेटरी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, स्टेटरी रिक्वायरमेंट रिक्वायर होता है कानूनी तौर से, जिससे वो बोलते हैं ना हमने तो कानूनी मोर मरवा रखी है, या कानून से हमें कानून से क्या बोलते हैं, कानूनी मोर मरवा रखी है, या कानून से हमें स्टैंप मरवा रखी है कि हम हमारी कंपनी चला सकते हैं, जैसे हमने इशू करवा रखा है कि हम अपने ये कंपनी चला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेटरी रिक्वायरमेंट। ये जो लिखा होता है कि लिमिटेड कंपनी है, वो हाफ प्राइवेट होती है हाफ गवर्नमेंट होती है, तो उसके ऊपर मोर होती है कि भाई ये प्राइवेट है, ये लिमिटेड कंपनी है, तो उस टाइप से उसने उसको कंपलसरी होता है ये स्टेटरी रिक्वायरमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली 47 इंडस्ट्री, 47 कंपनियों के ऊपर। इसके बाद हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस जो मैंने आज आपको समझाया, इसके अंदर आप अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।